हाँ तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों अभी देख रहे हैं मेरे पास गाड़ी है जुपिटर, ठीक है। इस गाड़ी में जो अभी मैं इस गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूँ फ़िलहाल, ठीक है, इसमें मुझे सर्विसिंग करना होगा। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, मैं सर्विसिंग कर रहा था फिर मुझे ध्यान में आया कि इसका मैं एक चीज़ बता दूँ कि मतलब इसका एयर फिल्टर किस तरह से क्लीन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो नए स्टाफ्स होते हैं दुकान में, उनको पता नहीं होता है कि इसका जो एयर फिल्टर है वो किस तरह से हम निकालेंगे, किस तरह से उसको क्लीन करेंगे। क्योंकि इसका जो है ना, जो उस तरफ से, जैसे कि आप सोचेंगे कि इस तरफ से मैं खोल लूँगा तो बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जो है ना इधर से ये खोलने में काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम लग जाता है। तो मैं आपको एक आसान वे बताऊँगा कि किस तरह से आप आसानी से इसको खोल के इसको जो है तो एयर फिल्टर को क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गाड़ी का जो सीट है, सीट खोल लेना है। सीट खोलने के लिए देख सकते हैं ये दो बोल्ट यहाँ पर लगा होता है, दो बोल्ट यहाँ पर लगा होता है। उसके बाद बैटरी को, बैटरी में तीन जो है तो नट लगा हुआ होता है, तीन नट को बैटरी को खोल लेना है। ये तो आसानी से रिमूव हो जाता है, आसानी से निकल जाता है, जैसे देख सकते हैं मैं सीट को वहाँ निकाल के रखा हूँ। तो अभी क्या करना है इसको खोलने के लिए, इसमें जो है ना, इसके जो आउटसाइड में है पीछे में दो नट लगा हुआ है, ठीक है, दो नट पीछे 8 नंबर का बोल्ट है, और आपको यहाँ खोलना पड़ेगा। बिल्कुल आसानी से फिल्टर निकल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ये फिल्टर का पूरा बॉक्स निकालना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं कि फिल्टर बाहर आएगा। फिल्टर बाहर करने के लिए आपको ये पूरा साइड वाला पैनल खोलना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम बॉक्स निकाल लेंगे, बॉक्स निकाल के और भी बेहतरीन तरीके से इसको क्लीन किया जाता है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं कहाँ कहाँ इसका बोल्ट है। तो फर्स्ट नंबर आपको इसको लूज़ कर लेना है, तो चलिए इसको हम लूज़ कर लेते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको लूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको पूरा नहीं खोलना है, इसको लूज़ करना है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं स्टाफ्स के लिए बना रहा हूँ, मतलब बहुत सारे लोगों को जानकारी है, मैं उनको नहीं बता रहा हूँ कि यार आपको जानकारी नहीं है। जानकारी बहुत किसी को है लेकिन बहुत किसी को जानकारी नहीं है। मैं इसके लिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत परेशान होते हैं कि यार फ़िल्टर इसका कैसे खोलें, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इस ये जो बॉक्स है इसको देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से ये निकलेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसा फील होता है, लेकिन ये आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखना है कि नीचे में जो 8 नंबर इसका एक बोल्ट लगा हुआ रहेगा, देख सकते हैं ये वाला बोल्ट है, ये वाला बोल्ट, एक सेकंड मैं फोकस कर लूँ, ये 8 नंबर का एक नट यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है। ये दो ही आप खोलिएगा तो पूरा बॉक्स बाहर आ जाएगा। तो इसको खोल लेते हैं हम, चलिए अभी हम इसको खोल रहे हैं, ठीक है, आसानी से इसको खोल लेना है। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं पहले इसको खोल लेता हूँ उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये दोनों खोल लेना है, उसके बाद फ़िल्टर आसानी से ऊपर उठ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरफ से इसका खोलने का चांस नहीं है। अगर एक्टिवा उक्टिवा होती है तो एक्टिवा में क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना किसी तरह इसको साइड करके ये जो इसका पर्शन है ये वाला ऊपर हो जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, तो उसको खोलने में आसानी होता है, वो खुल जाता है। लेकिन जुपिटर में थोड़ा हार्ड है, तो इसलिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसे इसका नहीं खोल सकते हैं, ऐसे खोलने के लिए आपको यहाँ से ये पूरा पैनल यहाँ से अलग करना पड़ेगा, तो वैसे मज़ा नहीं आएगा, आपको आसानी से इसे खोल लेना है। तो मैं खोल लेता हूँ फिर आपको बता दो। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये दोनों नट हम खोल लिए हैं, ठीक है, ये दोनों नट मैंने खोल लिया है। अभी ये बॉक्स को हिलाएंगे, देख सकते हैं बॉक्स पूरा हिल रहा है क्योंकि नट इसका खुल गया है। तो अब हम इसको अब निकाल के दिखाते हैं आपको किस तरह से निकालना है, ठीक है। ये वाला जो नट आपने लूज़ किया था, ये जो क्लिप है जो कार्बोरेटर में अटैच होता है, कार्बोरेटर फिल्टर को कार्बोरेटर से जोड़ता है, इसको जो है ना क्या करना है, अगर साइड कर सकते हैं तो इसको साइड कर दीजिए, वरना इसको और थोड़ा लूज़ करके इसको आप जो है यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। तो मैं इसको बाहर निकालता हूँ, ये ऐसे आसानी से बाहर नहीं आ रहा, तो इसको थोड़ा स्क्रू ड्राइवर का मदद लेंगे हम। तो स्क्रू ड्राइवर से इसको अच्छे से, ज़्यादा ज़ोर नहीं देना है वरना ये कट फट जाएगा, इसको नॉर्मली यहाँ से निकाल देना है। देख सकते हैं ये बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है कि इसको आसानी से एक लॉक यहाँ पर रहता है, देख सकते हैं अब ये लॉक, तो इसको भी थोड़ा साइड कर लेना है, यहाँ लॉक फंसा हुआ रहता है, देखिए पूरी तरह से खुल गया है। अब इसमें तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, तो इसको क्या करना है ऐसे नॉर्मली उठाना है, देख सकते हैं अब ये फिल्टर का पूरा बॉक्स बाहर आ गया है, फिल्टर का पूरा बॉक्स बाहर आ गया है, ठीक है। अब इसमें टेंशन नहीं रहा, अब इसको चारों तरफ से जैसा जैसा हम चाहें कि ये वाला भी अगर क्लीन करना हो, हमको हवा मरना हो और जो तो जैसा भी हो, मतलब अब आसानी से खुल जाएगा, अब टेंशन नहीं है। तो इसके अंदर जो ये जो नट लगे होते हैं इसको खोल लेना है, ठीक है, इन सबों को खोल के उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली फ़िल्टर बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको हम खोलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, अभी इसके जो सारे नट्स हैं, सारे बोल्ट्स हैं, वो हमने खोल लिए हैं। अभी इसको ये ढक्कन इसका रिमूव हो जाएगा आसानी से। तो देख सकते हैं अंदर का नज़ारा कुछ ऐसा होता है। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ के ये थोड़ा बाहर आ जाएगा, ये फ़िल्टर ये वाला है, वो बॉक्स है अंदर ये बॉक्स है, इस तरफ से हवा आता है, ठीक है। हवा जो ये वाला पाइप देख रहे हैं आप, इसके थ्रू जो है तो हवा, जो पहले तो हवा यहाँ से आता है, दिखा देते हैं आपको,
ये देखिए हवा यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से अंदर होके, यहाँ से होके यहाँ आता है, फिर हवा जो है तो इस पाइप से होके कार्बोरेटर में जाता है, ठीक है। तो चलिए इसका जानकारी तो अलग हो गया, अभी फिल्टर को देख लेते हैं। फिल्टर के अंदर एक फॉर्म होता है, ठीक है, ऊपर फॉर्म होता है, उसके बाद जो है तो देख सकते हैं कितना गंदा है इसमें। तो उसके बाद ये वाला होता है, ये कूट का होता है, ठीक है, तो इसको भी हमको क्लीन करना पड़ता है, इसको हवा से क्लीन करना पड़ेगा और इसको जो है पेट्रोल से क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। हम दोनों को चलिए क्लीन कर लेते हैं, पहले हवा मार लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं अभी हम इसको क्लीन करेंगे, ठीक है, ये एयर प्रेशर है, यहाँ से हवा आएगा और इसको हम क्लीन करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि दिखा रहे हैं आपको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें कितना गंदा निकलेगा। इसको बिल्कुल अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, ऐसे नॉर्मली थोड़ा मार के नहीं छोड़ा जाए, क्योंकि इसकी जो है ना सारा माइलेज का परफॉर्मेंस इसी से होता है, इसी से माइलेज बेस्ट होता है, गाड़ी का ताकत बढ़ता है, ठीक है। अगर ये गंदा रहेगा तो आपकी गाड़ी में जो तो बहुत तरह की प्रॉब्लम आएगी इसमें, ठीक है। तो इसको क्लीन रखना ज़रूरी होता है, अगर आप सर्विसिंग करें ना करें, लेकिन फिर भी आप बीच बीच में इसको क्लीन करते रहें। अब ये क्लीन हो चुका है, ठीक है, अब इसको फिट कर देते हैं हम गाड़ी में। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड्स, फाइनली इसको हमने पूरा क्लीन कर दिया, देख सकते हैं आप, ये जो फॉर्म वाला है इसको भी बिल्कुल चकाचक हो गया है, और ये वाला देख सकते हैं तो बिल्कुल नया हो गया, इसको हमने पूरी तरह से क्लीन कर दिया। आपने देखा मैंने किस तरह से इसमें एयर हवा मार के इसको तो साफ़ किया है। तो आपको भी इस तरह से साफ़ करना है, इसकी जो बॉडी है इसको भी क्लीन कर देना है, या ढक्कन सारा चीज़ क्लीन करके आपने जिस तरह से इसको खोला था उसी तरह से फिट कर देना। मैं आपको वो फिट करने वाला नहीं बताऊंगा इसलिए क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कराना है। तो आपने जैसे खोला था वैसे इसको फिट कर देना है, बाकी आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ही लास्ट करते हैं, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।